बिहार के मधेपुरा में है मद निषेध विभाग कार्यालय है। आज गाड़ी की नीलामी की जा रही है। ये नीलामी वही है जो शराब बेचते हुए जो जिन गाड़ियों से पकड़ा था उन गाड़ी की आज नीलामी की जा रही है। साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे मद निषेध विभाग में जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। काफी लोग अंदर में है। हम अंदर चलेंगे और लोगों से बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखाएं किस तरीके से मद निषेध विभाग की तरफ से नीलामी की जा रही है, जहाँ सैकड़ों लोग पहुंचे हैं जिन्होंने गाड़ी के लिए आवेदन किया था। आज उसकी बोली लगाई जाएगी। और ये जो नजारा है बिहार के मद निषेध विभाग की कार्यालय का नजारा है। देखिए गेट बंद है, गेट जैसे खोल दीजिए, देखिए गेट खुल गई है और हम अंदर चलेंगे और कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे कि मद निषेध विभाग की तरफ से जो नीलामी की जा रही है यहाँ पे, जो गाड़ी की जो बोली लगाई जा रही है यहाँ पे, जो है अब लोग जो यहाँ पे पहुंचने लगे हैं काफी अधिक संख्या में। इस तरफ आप देखेंगे तो काफी जो लोग हैं यहाँ पे पहुंच गए हैं, अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों ने आवेदन किया है वो समय से पहले पहुंच चुके हैं और वो अपने बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों ने कहां से आए हैं आप, और यहाँ पे और भी लोग हैं। आप भाई साहब कौन गाड़ी लेने के लिए आए हैं? हम लोग आए हैं, जो होगा तब ना। हम लोग को भी नहीं हुआ, हम लोग बैठे नहीं है भाग में बैठे तब ना। इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का। जी चलिए। भाई साहब है, युवा है ये भी। कहाँ से आए हैं भाई आप? भाई हम गेलार प्रखंड से आए हैं, संगीतवा गाँव से। अच्छा जी, हम यहाँ नीलामी की प्रक्रिया चल रही है, जो कि बहुत सारे ग्राहक जो विक्रेता है वो भी इसमें भाग ले रहे हैं, जो गाड़ी के चढ़ने के शौकीन है वो भी इसमें भाग ले रहे हैं, ताकि हमें कम रेट में उत्पाद विभाग से अधीक्षक शराब बरामद हुआ गाड़ी हमें मिल सके। आप ये बताएं कि आपने किस गाड़ी के लिए आवेदन किया है? हम अपने दोस्त के लिए दो बाइक के लिए आवेदन किया है, जिसमें कि एक की नीलामी प्रक्रिया हो चुकी है, एक की बाकी है। कितना में हुआ गाड़ी वो? 12,000, बहुत न्यूनतम मूल्य 12,000 में हुआ। गाड़ी कंडीशन कैसा था? कंडीशन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा गाड़ी है आजकल 12,000 में कुछ भी नहीं होता, मोबाइल तक नहीं होता है, तो ये तो हम लोगों को चढ़ने के लिए गाड़ी। चलिए, मोबाइल तक नहीं होता है लेकिन 12,000 में भाई साहब को गाड़ी हो गई है, तो काफी भाई साहब खुश नजर आ रहे हैं, काफी दूर से आए हैं। और भी पीछे की तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ी के नीलामी में आवेदन किया था वो अब यहाँ पहुंच गए हैं। महिलाएं भी हैं, काफी जो लोग हैं वो दूर दराज से पहुंचे हुए हैं, लेकिन ऐसे में एक भाई साहब हैं जो लाठी के सहारे चलते हैं और वो भी गाड़ी के लिए आवेदन किए थे। पहले इनसे बात करेंगे कि भाई साहब कहाँ से आए। जरा साहब बात करने दीजिए। क्या नाम हुआ भाई आपका? राजीव कुमार। कहाँ से आए हैं राजीव जी आप? कुलाईपट्टी से। कुलाईपट्टी जिला मधेपुरा। आपने किस गाड़ी के लिए आवेदन किया है? आवेदन हीरो होंडा स्प्लेंडर। आप तो लाठी के सहारे चलते हैं, फिर अपने लिए अप्लाई किए हैं या फिर भाई के लिए, रिलेशन के? सब आदमी, भाई, पिताजी, सब सब चले। तो आप अपने, आपकी आपका नाम पुकारा गया? हमारा नाम पुकारा गया है, गया है मेरा भाई है। मतलब प्रक्रिया चल रही है, लेके जाना है गाड़ी? गाड़ी तो लेके जाना। पक्का पूरा एकदम इरादा कर क्या है? इरादा तो ये है, जब क्या बोल रहे हैं, इरादा तो आइए है, इसी के लिए तो हुआ है ना प्लान। अच्छा, देखिए भाई साहब के हाथ में लाठी है और लाठी के सहारे चलते हैं, लेकिन परिवार में गाड़ी हो और इसी गाड़ी को लेने के लिए आए हुए हैं। और एक भाई साहब यहाँ पे है, कई लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? मधेपुरा जिला। आवेदन किया है आपने भी? हाँ। अभी गाड़ी लेके जाना है? हाँ, जाना है गाड़ी। पक्का। चलिए, ये कह रहे हैं, एक चाचा भी है, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। चाचा आप कहाँ से आए हैं? कुलाईपट्टी से। आप भी गाड़ी लेने आए हैं? अपने लिए कि बउवा लोगों के लिए? अपने लिए। हम आपको गाड़ी भी दिखाते हैं जिन गाड़ी की आज नीलामी होनी है। देखिए कई तरह की गाड़ियां यहाँ पे जो है पड़ी हुई है, जिन गाड़ियों का आज नीलामी होना है। आपको हीरो होंडा है, डीलक्स है, ग्लैमर है, उसके बाद पैशन प्रो है, सिटी डीलक्स है, स्कूटी है, पल्सर है, तो विभिन्न प्रकार की गाड़ियां हैं जिनकी आज नीलामी होगी। और जो है जिनके नाम जो गाड़ी होगा वो आज लेके जाएंगे। काफी जो लोग है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको बिहार के मधेपुरा की तस्वीर दिखा रहे हैं, मद निषेध विभाग कार्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए वो चाची आई हुई है, ये भी गाड़ी, आप भी गाड़ी लेने आए हुए हैं? जी। कहाँ से आई हैं आप? बजनाथपुर से। आप मतलब आपके हस्बैंड आवेदन किए कि आप किए हैं आवेदन? ना, पिंकी देवी का। जी, पिंकी देवी करें। पिंकी देवी की है, यानी गाड़ी लेके जाना है आज? हाँ। चलिए, किसान है, युवा है, तमाम तरह के लोग हैं जो आज पहुंचे हैं मद निषेध विभाग कार्यालय। जिन लोगों ने गाड़ी के लिए आवेदन किया था वो आज जो है उसका डेट है और वो बोली लगाने के लिए पहुंच गए हैं मद निषेध विभाग कार्यालय, जहां पूरी प्रक्रिया अंदर में की जा रही है। दूर दराज से आए हुए हैं लोग, हैं काफी लोग हैं, कह रहे हैं कि आज गाड़ी हम लेके जाएंगे ही। देखो भाई साहब लिखा पढ़ी कर रहे हैं, कुंची लिखा पढ़ी कर रहे हैं? वो मोटरसाइकिल का देख रहे थे। कुंची देख रहे, दाम मिला रहे हैं? दाम मिला रहे थे। पूरा लेके जाना है? लेके जाना। कौन गाड़ी के लिए आवेदन किया? स्प्लेंडर प्रो का।
का, स्प्लेंडर प्रो का। अब हम अंदर चलते हैं जहाँ पे ये प्रक्रिया जो है किया जा रहा है, काफी जो है निष्पक्ष कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि सबों के आंखों के सामने ये प्रक्रिया की जा रही है। आप तो नाम पुकार रहे थे, कितना लोगों का नाम पुकार लिए? लगभग नीलामी क्रमांक 10 तक। 10 तक कुछ लोगों को हुआ कि नहीं हुआ, प्रक्रिया चल ही रहा? नहीं, नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जो भीड़ दिख रहा है आपको, जो भीड़ है, संभालते कैसे हैं इस भीड़ को? कितना वही किसी से प्रेम मोहब्बत से बात कर कर किसी तरह से संभाल लेते हैं। संभाल लेते हैं। और आप इतने देर सरकारी कर्मी हैं और ये नाम पुकारते हैं, बाहर जो लोग खड़े होते हैं उसे अंदर लाते हैं, और आप इस तरफ देखेंगे तो किस तरीके से जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यहाँ पे किया जा रहा है। मत बनो, ठीक है भाई, नेता मत बनो। देखिए कह रहे हैं कि नेता मत बनो, और यहाँ पे आप सभी जो अधिकारी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम क्रिया यहाँ पे की जा रही है, काफी जो है निष्पक्ष तरीके से जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे पूरा किया जा रहा है। और आप इस तरफ देखेंगे तो जो गाड़ी के लिए बोली लगाने के लिए आए हुए हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको बिहार के मधेपुरा मध्य निषेध कार्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे अब जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस बार हम गाड़ी लेके ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खैर मकदम, आपका धन्यवाद।